प्रॉब्लम है अंदर सलूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। हेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करे वाकई मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे जयमल भाई, तुम्हें मगज जरा शांत रखो न प्लीज। अरे मगज क्या थी शांत रखो, आ बन्ने जरा मारी जोड़े आखिरी ने बात करता था। अरे आज तो बन्ने ने भड़ा के दे जाइस। ए जयमल, क्या हुआ? अरे ये सोसाइटी के दो लोग मुझसे होशियारी दिखा रहे थे। लगा दे कान के नीचे ठोटो। हाँ आने दे दोनों को नीचे। हाँ बेटा क्या हुआ? अरे सुंदर, ये जयमल भाई की भिड़े भाई और पोपट भाई के साथ तू तू में हो गई है। आप लोग जल्दी नीचे आओ ना। बेटा मैं अभी आता हूँ। जयमल भाई देखिए, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अरे आज दोनों को दिन में तारे नहीं दिखाए तो मेरा नाम जयमल नहीं। मिट्टू चप्पलू वगैरह क्या गले गया ना? हाँ जयमल भाई भी गरम तपेली जैसे। अरे आता हूँ मैं, अभी आता हूँ। क्या बोला बदतमीज? बदतमीज नहीं बोलना, समझा क्या? इज्जत से बात करना। हाँ अरे इज्जत से बात करना पहले तुम सीखो। देखिए भिड़े भाई, आप जरा शांति से बात कीजिए ना। मुझे शांति? अरे दया भाभी क्या शांति से बात कीजिए, ऐसे मुंहफट आदमी को सोसाइटी में घुसने किसने दिया? सूखे हुए नारियल के पेड़, नारियल के पेड़। और ये बस किसका है? ये भाई तू बाहर निकल, चल सोसाइटी के बाहर निकल, निकल। चलो चलो। पोपट भाई, भिड़े भाई, बात ये है कि ये हमारे मेहमान हैं। दया भाभी मेहमान ऐसे होते हैं? क्या हुआ? ए भिड़े, क्या हुआ क्या भाई? देखिए ना चाचा जी, आपके मेहमान किस तरह पेश आ रहे हैं। अभी यहाँ पे पानी की कटौती है तो मैंने उनको बस धोने के लिए मना कर दिया, तो ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ। बदतमीजी मैं कर रहा हूँ। हाँ। शुरुआत तो तूने की चकले। देखिए ना चाचा जी, बार बार इनको टकले टकले बोल रहे हैं और ऊपर से हमारे पानी का कितना अपव्यय कर रहे हैं। ए, जमीन के लिए तेरा मेरा होता है, हवा और पानी के लिए तेरा मेरा नहीं होता है, समझा? क्या बोलते हैं? अपनी बकवास बंद कर। ए मुच्छड़, तूने मुझे मुच्छड़ बोला? भैया क्या कर रहे हैं तू? जयमल भाई बदतमीज, जयमल भाई आप शांत रहो। अरे अपना गुस्से को शांत रहे। तूने मेरे छाते को फेंका, फेंका मेरा छाता लेकर आप जल्दी जाओ, पहले मेरा छाता लेकर आप। अरे जा रे जा, नहीं लेके आते क्या करेगा तू? मैं तेरे को भड़ा के दे देगा। देख मैं तुझे बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा, मैं तेरे खिलाफ केस कर दूंगा। मेरा छाता लेके आ। तू जानता नहीं मेरा छाता मुझे कितना प्यारा है, मेरा तीसरा हाथ है, मेरे शरीर का अविभाज्य अंग है। क्या हो रहा है? क्या पता, हम दोनों तो साथ में ही है, मैं मुझे कैसे पता होगा? पर यार ये तो कोई बड़ा लफड़ा लगता है। क्या क्या हो क्या रहा है? हाँ पता नहीं। देखो जेठालाल, देखो तुम्हारे मेहमान की हरकत को देखो। इसने मेरे शरीर के अविभाज्य अंग को मुझसे अलग कर दिया, मेरे छाते को फेंक दिया इसने। देखो एक नंबर का अनपढ़ जाहिल गवार है ये। हाँ। उसके बाद हॉनरेबल सेक्रेटरी को लात मारी। सही बात है। ये तो भीड़ पीछे हट रहे। सुंदर ये क्या हो रहा है? माय डियर जीजा जी, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसमें पोपटलाल का भी कसूर है। पोपटलाल ने इनको अनपढ़, जाहिल, गंवार क्यों बोला? हाँ तो ये है, इसलिए कहा है। अब तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ। पोपटलाल देखो, उनके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, छोड़ दो प्लीज। नहीं जेठालाल, अभी माफी कुछ नहीं, अब तो जेल होगी इसे, जेल। अरे नेता साहब इधर क्या खड़े, कुछ करो। हाँ करना क्या है, जो भी करेगी वो पुलिस करेगी। बाहर का आदमी आकर ऐसे अंदर के सोसाइटी मेंबर को मारेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आत्माराम पुलिस को फोन करो। बिल्कुल बिल्कुल। यार भाई, मैं इधर आग में पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ और आप आग में पेट्रोल कहाँ डाल रहे हैं? तो अरे मेहता साहब क्या ऐसे देख रहे, सब बातचीत देख रहे, कुछ करो भाई। अरे पोपटलाल तुम समझने की कोशिश करो यार, तुम पत्रकार हो, तुम्हारा काम कलम उठाना है, हाथ उठाना नहीं है। पढ़े लिखे समझदार आदमी हो तुम यार। अरे मेहता साहब मैं पढ़ा लिखा हूँ तो क्या तमाचा खाकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊँ? ये गुंडा समझता क्या आपने आपको? गुंडा बोला? मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, अपने देश में अभी भी कायदे कानून है। इसने पत्रकार पोपटलाल को चाटा मारा है। रोशन है क्यों रे? आज तो मैं दुनिया क्या पूरे ब्रह्मांड को हिला दूंगा। अरे मैं तेरे को हिला दूंगा। इसकी गूंज पुलिस स्टेशन में भी नहीं, संसद में गूंजेगी। अरे पोपटलाल, इसकी गूंज संसद नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में गूंजा देंगे। लेकिन अभी शांत हो जाओ प्लीज, शांत रहो यार। शांत हो जा पोपटलाल, शांत हो जा। और सवेरे सवेरे की हल्ला मचाया जी। अरे सॉरी, ये जेठालाल के मेहमान ने मेरे छाते को फेंक दिया और सबके सामने मुझे चाटा मारा। और पोपटलाल को इसने चाटा मारा। रोशन का भी शक चाहिए। जरा शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ भाई, समझने की कोशिश करो तुम लोग यार। शांत हो जाओ दादा साहब, इसने हमारे पोपट को चाटा मारा। सॉरी सॉरी, समझ यार, शांत हो जाओ। पोपट तू भी शांत हो जाओ, वो भड़का हुआ तू भी भड़का हुआ। यार तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, वो हमारे मेहमान हैं। हाँ मेहता समझा, उसको समझा। हमारी सोसाइटी में किसी के भी घर कोई भी आए वो हमारा अपना मेहमान होता है। और यार अतिथि देवो भव, हो जाती है गलती जीवन में कभी कभी। और कुछ बातचीत हो गई, हम आपस में झगड़ा नहीं करते हैं क्या? आपस में झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे को माफ करते हैं नहीं करते हैं? तुम भी समझो पोपट, तुम भी समझो, हमारी परंपरा है भाई, अतिथि हमारे लिए बहुत सम्माननीय होता है। अरे तू तड़ाक कर दी तुमने, उन्हें गुस्सा आ गया, उनका रिएक्शन ऐसा हो गया, तो आप माफ करो भाई। किसी चीज को बढ़ाने का कोई फायदा है क्या? वो ऐसा आदमी नहीं है, हो गया तो हो गया। हाँ पोपट भाई, जयमल भाई दिल के बहुत अच्छे इंसान है। अरे आपने तो एक ही चाटा खाया है, मैं तो बचपन से इनके चाटे खाता आया हूँ। क्या है कि अगर कोई उनके साथ तूतारी से बात कर देता है ना, तो उनका खून एकदम उखल जाता है। बाकी दिल के बहुत अच्छे इंसान है। चलो इनकी ओर से मैं सॉरी बोल देता हूँ। बस पोपट भाई मैं भी माफी मांगता हूँ। पोपटलाल माफ कर दो भाई उसको प्लीज। देखिए पोपट भाई, जाने दीजिए ना, ये लोग शुभ काम के लिए जा रहे हैं, शिरडी साई बाबा के दर्शन के लिए। बस मैं माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए ना। हाँ पोपट भाई जी। नहीं नहीं दया भाभी प्लीज आप माफी मत मांगिए। अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं पुलिस कंप्लेन नहीं करूँगा बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छे इंसान हो पोपट भाई आप। पोपट भाई आप मेरे को थप्पड़ मार के बदला ले लो बस। नहीं भाई नहीं, मुझे अभी कोई बदला नहीं लेना। नहीं नहीं आप मेरे को थप्पड़ मारो, गलती मेरी है पोपट भाई। गलती मेरी भी है, मैंने भी प्यार से समझाने के बजाय तुम्हें डांटना शुरू कर दिया। मुझे भाई कोई तमाचा नहीं मारना अभी। आप नहीं मारोगे तो मैं मार लूंगा। अरे भाई जयमल भाई को तमाचा नहीं मार सकते तो सुंदर को मार ले भाई, बात खत्म करना चल ले। हाँ। बात खत्म हो गई है तो फिर बड़ा क्यों रहे हो? अरे भाई ये मामला तो सुलझ गया, लेकिन ये पानी का अपव्यय उसका क्या? भाई उसके लिए मैं 500 रुपया फाइन भर दूंगा बस। मैंने पहले से ही 500 रुपये दे दिया। हाँ तो फिर भाई क्या है आप बेचारे को भिड़े? सुनिए टप्पू के पापा सबके लिए नाश्ता लाया है, तो घर पे जाके नाश्ता करते हैं। सही बात है, चलिए चलिए। अरे हंस, अरे नहीं नहीं बेना, अब बहुत देरी हो जाएगी। एक काम करो नाश्ता में साथ दे दो, हम रास्ते में कर लेंगे। ये तो गलत बात है। हंस ए बका, जा घर पे जाओ और सब सामान लेके आ। ए भाई सब सामान मतलब? ए सब मतलब साई भक्त मंडल का पूरा सामान। हाँ तो ऐसा बोल भाई, होता नहीं तो मेरा भी सामान लेके आएगा। टप्पू तुम मामा के घर जरूर आना, मैंने इसको लेके आना। ठीक है मामा। सुंदर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से साई बाबा का दर्शन करना। हाँ बेना, साई बाबा को हमारा प्रणाम करना और प्रसाद लाना मत भूलिएगा, वहाँ देसी घी के लड्डू मिलते हैं प्रसाद में। हाँ हाँ आदि भाई, आते वक्त मैं आपको प्रसाद लेके ही अहमदाबाद जाऊंगा। मिलेगा आदि भाई, मिलेगा प्रसाद भी मिलेगा। अरे भाई प्रसाद देने के लिए यहाँ तक धक्का खाने की जरूरत नहीं है, कुरियर में भेज देना मिल जाएगा हमको प्रसाद। हाँ हाँ भेज दूंगा। पोपट भाई भूल चूक माफ कर दे रहा हो। अरे भाई मैं सब भूल चुका हूँ भाई, तुम भी मुझे माफ कर देना। बेना जरूर आना, अर्जुना जी को लेके आना। हाँ हाँ बीना। बोलो शिरडी वाले साईनाथ भगवान की। सोसाइटी के अंदर अंदर चलो बेटा, किचन में है, मैं देती हूँ। अरे भिड़े भाई, पानी फिर से कैसे चला गया? हाँ वो तो जाएगा ही ना बबीता जी, अभी किसी के घर में एक साथ इतने सारे मेहमान आ जाएंगे तो टंकी तो खाली होगी। मतलब किसी के घर पे क्या बोल रहा है? और मेरी बात कर रहा है बबीता जी, मेरे घर पर भी मेहमान आए थे ना, उसकी बात कर रहा है। अबे मेहमान आए तो ऐसा थोड़ी उनको बोल सकते हैं भाई इधर नाना धोना मत है, होटल में जाकर नाव धो। हाँ सही बात है, हाँ ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। अरे भाई आज मेरे घर पे मेहमान आया, कल का हो सकता है किसी और के घर पे भी मेहमान आ सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी मेहमान को भगा सकते हैं। आप समझ सकते हैं ना बबीता जी? इट्स ओके जेठा जी। लेकिन कुछ लोग है कि समझते ही नहीं है। हाँ पर पानी के बिना आप क्या करेंगे? अरे यार यही तो प्रॉब्लम है। वो चिंता क्यों करते हो? और पिड़ू जाके टंकी फटाफट भर देना यार। अरे कहाँ से भरू सोडी, अभी तो म्यूनिसिपैलिटी का पानी भी चला गया है, ऊपर से 50% कटौती है। बगैर पानी के घर के काम कैसे होंगे? जेठालाल देखो भाई तुम्हारी वजह से कितना प्रॉब्लम हो गया, अब बिना पानी के अभी क्या करेंगे हम लोग? वो बताया ये भिड़े भाई ने बताया भाई, और कितनी बार बोलेगा? तो क्या करा तो मेहमान को धक्का मार कर निकाल देगा सबार। हाँ सही बात है, मेहमान को कैसे मना कर सकते हैं? तो भाई मुझे तो लगता है कि हमें मेहमानों के लिए एक रूल बना देना चाहिए। मसलन ये है कि भाई ये मेहमानों का आना ही सोसाइटी में कैंसिल कर दो। क्या घर पे कोई मेहमान आता नहीं इसलिए इसको ऐसा फितूर सुनता है? पोपटलाल कैसी बातें कर रहे हो? सोसाइटी से भी कैंसिल कर दो। नंबर का टुकड़ा लोग यहाँ पे तो लोग आएंगे ना, मेहमान आएंगे। नहीं मैं समझ रहा हूँ भाई, मेहमानों का आना कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई जो मेहमान आते हैं उनके लिए कोई चार्ज फिक्स कर दो कि भाई जिसके भी घर मेहमान आ रहे हैं उनके लिए प्रति मेहमान 1000 रुपया चार्ज। हाँ तो जेठालाल तुम्हारे घर पे 10-12 मेहमान आए थे ना, तो उस हिसाब से 10-12 हजार रुपए तुम सोसाइटी में जमा कर दो। हाँ भाई दे दो भाई। अरे यार क्या तुम यार पोपट की मूर्खता की बातों में हाँ मिला रहे हो? और पोपट तुमने क्या कसम खा रखी है कि जिंदगी में कभी समझदारी की बात करोगे नहीं? मतलब अब हम मेहमान घर में आए तो उनसे पैसा लेना शुरू कर दे, उन्हें फोन करें भाई गोकुलधाम में किसी के घर मेहमान आ रहे हैं तो मत आओ, हमारे यहाँ चार्ज लगता है। पोपट बिल्कुल गलत है आइडिया, बिल्कुल खराब आइडिया है। हाँ। अरे हमारे भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है हमें? अतिथि देवो भव। हाँ। तो क्या भगवान से पैसा लोगे तुम? हाँ, भगवान ही तो हमें पैसा देता है। मतलब लक्ष्मी जी? हाँ तो बराबर है। हाँ तो बराबर है, अतिथि देवो दो। ये भाई ये डिब्बे क्या दो? ऐसे पैसे लेने से क्या पानी ज्यादा आने वाला है? हाँ। जब देखो तो फालतू बात करते रहता है। अभी ये सब बातें बंद करो, अभी पानी चला गया है तो पानी के बगैर हम लोग क्या करेंगे वो पहले सोचो। हाँ सोचिए जरा सोचिए। हाँ चाचा जी पानी के बिना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई नहाया धोया भी नहीं है, सुबह का वक्त है। ए भिड़े एक काम करो ना, एक पानी का टैंकर मंगा लो यार। हाँ प्लीज। हाँ बराबर है, पानी का टैंकर मंगवा ले भाई। एक मिनट क्या है भाई, आप लोग ये टैंकर मंगवाने की बात कर रहे हैं तो इसका खर्चा कौन देगा? अरे उसकी चिंता मत करो पोपटलाल, पानी का दुरुपयोग करने पर जो दंड इकट्ठा हुआ है ना दया भाभी और सोडी से, वही पैसा हम लोग पानी के टैंकर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओ अच्छा ऐसा, तो मैं मंगाओ जल्दी मंगाओ भाई भिड़े। हाँ मैं फोन करता हूँ उसको। हाँ भिड़ू जल्दी फोन लगाना यार टैंकर वाले को। अरे भाई उसका नंबर मेरे मोबाइल में नहीं है, घर जाना पड़ेगा, डायरी में देखना पड़ेगा और उसके बाद कॉल करूंगा मैं उसको। अरे चलो भाई चलो, टैंकर आ जाएगा। चलो हाँ भाई चलो। दोस्तों दो जगह हमेशा हंगामे होते हैं, एक वहाँ जहाँ बुद्धि की कमी हो और एक वहाँ जहाँ पानी की कमी हो। और गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त पानी की कमी नहीं, पानी समाप्त हो चुका है, टंकी का सारा पानी खत्म हो गया। भाई हमारे खास दोस्त जेठालाल के घर मेहमान आए और पानी सब का सब साफ। अब स्थिति यह है कि पहली बार गोकुलधाम सोसाइटी में टैंकर मंगाना पड़ रहा है। अब आप सोचिए तो जब तक ये टैंकर आएगा सबका क्या हाल होगा। वैसे हमारा ही हाल खराब नहीं है, दुनिया में भारत देश में इस वक्त सब जगह पानी की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बारिश कम हो रही है, त्राही है, लेकिन दोस्तों आप कभी ऐसा सोचते नहीं है कि इसमें हमारी भी गलती है। आखिर हम करते क्या है? पर्यावरण के प्रति हमारी भूमिका को क्या हम निभाते हैं? पानी की कमी अगर है तो उसमें कहीं हमारा भी दोष है। इसका अपव्यय मत कीजिए और अपने आप को एक वचन दीजिए कि हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, हम पानी बचाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को हम मुस्कान और पानी दोनों दे सकें। वैसे एक बात कहूँ, मुस्कान की चिंता तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन में दो ही चीजें जरूरी है, पानी और हंसना हंसाना। आप बस जल की रक्षा कीजिए, आपके हंसाने की रक्षा हम करेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.